हाय, वेलकम बैक टू वास्तु विद्या इंटीरियर्स। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी डायरेक्शन का हम लोग इन्फ्लुएंशियल जोन कैसे निकालते हैं। सो इसके लिए आपको दो चीजों की जरूरत है। सबसे पहला, आपके पास आपके घर का या फ्लैट का मैप होना चाहिए, मतलब प्लान होना चाहिए। नेक्स्ट, हम लोग उसको 9 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ग्रिड्स में, जैसा कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट, आपके पास अगर कॉम्पस है तो आप डायरेक्शंस को चेक करके अकॉर्डिंगली अपने प्लान में लिख सकते हैं, और नहीं तो अगर आपके पास आर्किटेक्चरल प्लान है तो उसमें ऑलरेडी नॉर्थ मेंशन्ड होगा, तो उस अकॉर्डिंग आप उस ग्रिड में अपने डायरेक्शंस को प्लेस कर दीजिए। तो जब आप डायरेक्शंस को डाल देंगे तो आप देखें कि हर एक डायरेक्शन का अपना अपना बॉक्सेस बन रहा है। तो जो बॉक्स हमारा बन रहा है तो ऐसा समझ लीजिए कि उस डायरेक्शन का वो उतना इन्फ्लुएंशियल जोन है। इसका मतलब कि उतना एरिया में, सपोज ईस्ट है तो ईस्ट का उतना एरिया का ऑक्यूपेंसी है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ईस्ट हमारे घर के कितने एरिया को इफेक्ट कर रहा है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और ऐसे ही इंटीरियर्स एंड वास्तु से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।